अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हिंदी में पाठ 11 उसका जो पुस्तक कार्य है उसको पूरा करेंगे, जो पेज नंबर 87 यानी कि 87 पेज नंबर पर है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक समान होता है, यानी कि उनका जो मीनिंग होगा वो एक जैसा होगा। जैसे उपवन, उपवन और बाग दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही है। उपवन, बाग, वाटिका, ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। पहला शब्द जैसे उपवन का होगा बाग, दूसरा है वाटिका। इसी तरह खग, खग कहते हैं चिड़िया को, या फिर गगनचर, इसके और भी नाम हैं। ये सब क्या है? इनका अर्थ एक समान है। गगनचर, पखेरु, विहंग, ये सब क्या है? इनके पर्यायवाची हैं खग के। तो हम यह लिख देंगे चिड़िया, दूसरा है गगनचर, इसके बाद है आखेटक। आखेटक कहते हैं शिकारी को। आखेटक किसे कहते हैं? शिकारी को। यानी कि अगर कहीं पर आखेटक लिखा होगा या शिकारी लिखा होगा, दोनों का अर्थ एक ही होगा। इसी तरह एक और लिखेंगे इसका अहेरी। अहेरी भी क्या होता है? उसको भी शिकारी कहते हैं। इसके बाद है तीसरा फूल। फूल इसको कहेंगे हम पुष्प। फूल का एक अर्थ होता है पुष्प, और होता है कुसुम। इसके अलावा सुमन भी होता है। ठीक है, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे यहाँ पर है सुरभि। सुरभि का अर्थ है हवा। और एक और लिखेंगे इसका तो वायु। ये सब क्या है? ये दोनों क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। इसके बाद है आहत। आहत कहते हैं दुखी, दुखी, या फिर कहेंगे पस्त। पस्त भी कह सकते हैं, दर्द भी कह सकते हैं। सब क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। घायल, घायल भी कह सकते हैं। ठीक है, घायल भी क्या है? इसका एक पर्यायवाची शब्द है। घायल का हम यहाँ पर लिख देते हैं जख्मी। जख्मी दूसरा लिख देंगे चोटिल। चोटिल ये दोनों क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है माँ। माँ को हम अम्बा भी कहते हैं, अम्बा और माता। अंबा, माता, ये जो है इनके पर्यायवाची शब्द हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी कि उसका उल्टा। जैसे राजा का उल्टा क्या होगा? राजा का उल्टा होगा रानी। रानी जो है इसका स्त्रीलिंग भी होता है। अच्छा, राजा का विलोम शब्द प्रजा भी होगा। ठीक है, हम यहाँ पर प्रजा लिखेंगे। इसके बाद है रक्षक। रक्षक का विलोम शब्द होगा भक्षक। माँ, माँ का विलोम शब्द होगा बाप। सदय, सदय का होगा निर्दय। सदय का विलोम शब्द निर्दय। सदय कहते हैं जिसमें दया हो, और निर्दय कहते हैं जिसमें दया ना हो। ठीक है, इसी तरह न्याय। न्याय का विलोम शब्द होगा अन्याय। हानि, हानि का होगा लाभ। निर्णय, निर्णय का होगा विलोम शब्द अनिर्णय। मांगना, मांगना का विलोम शब्द होगा देना। ऐसे ही जे, यहाँ लिख रहा है जे। जे यानी के इसका विलोम शब्द जो है वो है पराजय। जे यानी के जीतना, पराजय हार जाना। निरपराध, इसका उल्टा होगा यानी के विलोम शब्द होगा अपराधी। दानी, दानी का होगा विलोम शब्द कंजूस।
अपराधी, देखिए वही शब्द आ गया, अपराधी का विलोम शब्द निरपराध और निरपराध का विलोम शब्द अपराधी, तो यहां पर हम लिख देंगे निरपराध। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यहां पर एक वाक्य दिया है, उसके लिए हमें सिर्फ एक शब्द लिखना है, जैसे आखेट करने वाला, आखेट आखेट कहते हैं शिकार, तो शिकार करने वाले को हम शिकारी कहते हैं, आखेट करने वाला आखेटक, जैसे हम शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं ना, इसी तरह आखेट करने वाले को हम आखेटक कहेंगे। दूसरा, इसमें जिसमें दया ना हो, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, जिसमें दया ना हो उसको क्या कहते हैं, निर्दय, और जिसमें दया हो सदय, तो जिसमें दया ना हो कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम निर्दय। इसके बाद अगला शब्द है नानी की बेटी, नानी की बेटी को हम क्या कहते हैं, सभी जानते हैं हम, नानी की बेटी जो होती है वो हमारी माँ होती हैं। रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला जो होगा उसको हम सैनिक कहते हैं, सैनिक। और इसके अलावा हम उसको रक्षक भी कह सकते हैं, सैनिक या रक्षक, क्योंकि वो रक्षा करने वाला है। ठीक, जहाँ न्याय होता है, जहाँ पर न्याय होता है उस जगह को हम कहते हैं न्यायालय, आधा ना फिर पूरा या न्यायालय। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा काम जो अभी मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा, और आप इसको अपनी हिंदी की पुस्तक में पेज नंबर 87 उस पर पूरा अच्छे से राइटिंग में लिखेंगे और उसके बाद चेक कराएंगे। अस्सलामुअलैकुम।